फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी चाकू से एक बड़ी सी सील मछली को काट रहा है, जिसके बाद वो उसका पैर सील के पेट के अंदर रख देता है। फिर वो सील की चर्बी को उबालकर अपने पैर पर हुए फ्रोजन बाइट यानी कि शीत दंश पर लगाता है। क्लेमेंस नाम का ये आदमी काफी लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुँचा है और अभी भी उसे हजारों किलोमीटर तक का सफर तय करना है। दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म का नाम है As Far As My Feet Will Carry Me। ये साल है 1945 का। कुछ जर्मन सैनिकों को रशियन फ्रंट पर पकड़ के युद्ध कैदी बनाया गया है। इन सभी को 25 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। ट्रेन में सफर तय करने के बाद उन्हें पैदल चलकर जाना है क्योंकि इससे आगे कोई रेलवे लाइन नहीं है। सभी कैदियों को ठंड में बर्फ पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। इन कैदियों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए कई कैदी भूख से मर रहे हैं तो कई कैदी ठंड के कारण। फिर भी इन कैदियों के पास चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। करीब 1.5 साल तक कई मील चलने के बाद सभी कैदी उनकी जेल तक पहुंचते हैं, लेकिन इस जेल की न तो कोई दीवार है न कोई दरवाजा, चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इसलिए बिना खाने के सामान का इंतजाम किए यहाँ से भागने की कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ खदान में पहले से ही कई जर्मन काम कर रहे हैं और नए कैदियों को भी काम पर लगा दिया जाता है। दिन रात की कड़ी मेहनत और रशियन सेना के अत्याचार के कारण जर्मन सैनिकों की यहाँ से भागने की इच्छा भी खत्म हो गई है क्योंकि उनकी चारों ओर सिर्फ मौत है। लेकिन क्लेमेंस को यकीन है कि वो यहाँ से निकल सकता है, उसे अपनी पत्नी और बेटी के लिए यहाँ से भागना ही होगा। एक रात क्लेमेंस को मौका मिलते ही कोयला ले जाने वाले वैन में छुप जाता है। क्लेमेंस को लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी वैन रुक जाती है और एक रशियन सैनिक उस पर गन तान देता है। सजा के तौर पर क्लेमेंस को ओपन एयर सेल में बंद कर दिया जाता है। ठंड में हो रही बारिश में पूरी रात क्लेमेंस उस अंडरग्राउंड सेल में बंद रहता है। सुबह होते ही वहाँ पर वार्डन आता है जो क्लेमेंस को कुछ नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने साथियों के पास वापस आते ही क्लेमेंस समझ जाता है कि वार्डन ने ऐसा क्यों कहा था। सभी कैदी क्लेमेंस को सजा देने के लिए तैयार है क्योंकि क्लेमेंस के भागने के जुर्म में वार्डन ने सभी कैदियों को 5 दिन का खाना देने से मना कर दिया है। कैदियों द्वारा पीटे जाने के बाद क्लेमेंस बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसे देखने के लिए वहाँ एक डॉक्टर आता है। क्लेमेंस उस डॉक्टर को कहता है कि वो उसकी पत्नी को एक लेटर लिखे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि यहाँ से कोई भी लेटर भेजा नहीं जा सकता। डॉक्टर कहता है कि इस जेल के चारों ओर लीड है, इस जहर के कारण कभी ना कभी यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर भी जर्मन कैदी है और उसने कई साल पहले यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन भाग नहीं पाया और उसे अभी अभी पता चला है कि उसे कैंसर है, इसलिए उसने यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। लेकिन क्लेमेंस का यहाँ से भाग जाने का जुनून देखकर डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। डॉक्टर क्लेमेंस को कुछ खाने का सामान, कोट, एक बंदूक और कुछ गोलियां देता है। अब डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर क्लेमेंस रात के अंधेरे में निकल जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि यहाँ से घर तक पहुँचने के लिए उसे 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। अगली सुबह वार्डन को पता चल जाता है कि क्लेमेंस भाग गया है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास आता है, लेकिन डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। गुस्से में वार्डन बाकी कैदियों के पास जाके क्लेमेंस के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है। वार्डन अपने सैनिकों को क्लेमेंस को खोजने के लिए भेज देता है। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। सर्च पार्टी आसपास का 100 मील का एरिया छान मारती है, लेकिन क्लेमेंस का कोई पता नहीं चलता। वे सोचते हैं कि क्लेमेंस इतनी ठंड में मर चुका होगा, लेकिन वार्डन को यकीन है कि वो जिंदा है। जेल से भागे हुए क्लेमेंस को 15 दिन हो चुके हैं। वो अब जेल से काफी दूर निकल आया है। उसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। उसका खाना भी खत्म हो चुका है। क्लेमेंस काफी थक चुका है। उसके पास एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी शक्ति नहीं है। वो वही लेट जाता है। कुछ देर बाद क्लेमेंस को कुछ दूरी पर सील मछली दिखाई देती है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन भूख और ठंड के कारण कांपते हाथ से वो गोली चलाता है। क्लेमेंस का निशाना चूक जाता है। सील को भागता देख क्लेमेंस अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे जाता है। तभी पैर फिसलने के कारण उसका एक पैर बर्फ के पानी में धंस जाता है, जिससे उसके पैर पर फ्रोजबाइट हो जाता है। पैर में दर्द के बावजूद वो सील के पीछे जाता है और उसे मारने में कामयाब होता है। अब क्लेमेंस का खाने का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए वो खुद से ही बातें करता है और रास्ता न भटक जाए, इसलिए बार बार कंपास निकालकर रास्ता देख लेता है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलने के बाद एक दिन क्लेमेंस को दूर से एक पेड़ दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं होता। वो दौड़ता हुआ पेड़ के पास आता है और गले से लगा लेता है। बर्फ के मैदान में पेड़ दिखने का मतलब था कि अब वो मैदानी इलाके से काफी करीब है। आखिरकार क्लेमेंस फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाता है। रात को वो आग जलाता है, वही सो जाता है, लेकिन अगले दिन भयानक तूफान आता है। अपने आप को बचाने कोशिश करता है, तभी एक पेड़ उसके ऊपर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद वहाँ से गुजर रहे गोल्ड माइनर्स को क्लेमेंस दिखता है। उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि क्लेमेंस को जेल से भागे हुए 2 साल बीत चुके हैं। मौसम बदल चुका है। अभी भी वो अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर है। अब वे तीनों नदी पार करते हैं। नदी में पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण एक गोल्ड डिगर नदी में गिर जाता है।
क्लेमेंस भी उसे बचाने के लिए नदी में कूदता है, वहीं दूसरा गोल्ड डिगर वहां से चला जाता है। वो अपनी झोपड़ी में जाता है, उसे लगता है कि उसका साथी अब नहीं आएगा, इसलिए वो उसके हिस्से का सोना अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर क्लेमेंस के साथ वो आदमी आ जाता है और अपने साथी को गोली मार देता है। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है और अपने गोल्ड की सुरक्षा के लिए वो क्लेमेंस पर भी हमला करके उसे बर्फीले पहाड़ से नीचे फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने के बाद क्लेमेंस कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने आप को भेड़ियों से घिरा हुआ पाता है। भेड़िए उस पर हमला करते हैं, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी गोलियां चलाता है, भेड़िए भाग जाते हैं और वो आदमी क्लेमेंस को अपने गांव लेकर आ जाता है। कुछ दिन तक इलाज और आराम मिलने से क्लेमेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन क्लेमेंस की दिक्कतें इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जेल के वार्डन ने क्लेमेंस के लिए वांटेड का नोटिस जारी किया है, इसलिए क्लेमेंस को यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले गांव के लोग उसे खाने पीने का सामान और एक हस्की डॉग देते हैं। करीब एक साल तक आगे चलने के बाद क्लेमेंस आइसलैंड से बाहर आ जाता है। जब वो मैदानी इलाके से गुजर रहा होता है तभी उसका कुत्ता एक लकड़ी की फैक्ट्री में घुस जाता है। क्लेमेंस भी उनके पास आता है। वहाँ के लोग क्लेमेंस को खाना खिलाते हैं और बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन उसे चिता शहर तक पहुँचा सकती है। क्लेमेंस उनका आभार मानता है और ट्रेन में सवार हो जाता है। क्लेमेंस काफी खुश है क्योंकि वो जल्दी ही अपने घर पहुँचने वाला है। लंबे सफर के बाद ट्रेनें स्टेशन पर रुकती हैं। जैसे ही क्लेमेंस ट्रेन के बाहर देखता है तो वो डर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि लकड़ी की फैक्ट्री के ओनर ने क्लेमेंस को पहचान लिया था और उसके बारे में वार्डन को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर खड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में क्लेमेंस का डॉग वार्डन पर हमला करता है। मौका देखकर क्लेमेंस वहां से भाग जाता है, स्टेशन के ब्रिज पर चढ़ जाता है और वहां से गुजर रही चलती ट्रेन पर कूद जाता है। वहां से बच निकलने के बाद कई महीने बीत जाते हैं। क्लेमेंस आखिरकार सेंट्रल एशिया पहुंचता है। वो एक शहर में घूम रहा है, उसे भूख भी लगी है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़का आके क्लेमेंस की जेब में ब्रेड का एक टुकड़ा रख देता है जो वहाँ खड़ी दो लड़कियों ने भेजा था। क्लेमेंस उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक यहूदी आदमी उसे देख लेता है। क्लेमेंस एक चर्च में जाता है और वो यहूदी उसके पीछे आता है। यहूदी आदमी यह जानते हुए कि क्लेमेंस एक जर्मन है, वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। वो आदमी क्लेमेंस को अपने घर ले जाता है। क्लेमेंस उसके घर रुककर अपना हुलिया ठीक करता है। वो आदमी क्लेमेंस को अपने घर रुकने के लिए कहता है और बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि क्लेमेंस उसके घर पर नहीं है, इसलिए वो चर्च जाता है जहाँ पर उसे क्लेमेंस मिलता है। क्लेमेंस कहता है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तभी वो आदमी क्लेमेंस को पासपोर्ट और उसका पास दिखाता है। क्लेमेंस उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाता है। वो एक ट्रक पर सवार हो जाता है लेकिन सड़क खराब होने से उसे पैदल जाना पड़ता है। काफी वक्त चलने के बाद वो बॉर्डर तक पहुँचता है और अपना पास दिखाता है। स्टाफ को कुछ डाउट होता है जिससे क्लेमेंस घबरा जाता है, लेकिन कुछ जांच करने के बाद वो उसे जाने देते हैं। गेट से बाहर निकलने के बाद वो राहत की सांस लेता है और ब्रिज पर आगे बढ़ता है। इस ब्रिज को पार करने के बाद क्लेमेंस कैदी नहीं रहेगा। तभी क्लेमेंस के चेहरे पर तेज लाइट पड़ती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो और कोई नहीं जेल का वार्डन है। क्लेमेंस घबरा जाता है, वो मुड़कर वापस जाने की कोशिश करता है। तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। वो डरे हुए कदमों से वार्डन के सामने से गुजरता है। तभी वार्डन कहता है कि जीत मेरी हुई है, ये दो सैनिकों की लड़ाई थी जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वार्डन उसे कहते हुए जाने देता है कि ये मेरी जीत है। आखिरकार क्लेमेंस जर्मनी में अपने गांव लौट जाता है। उसकी पत्नी और बेटी चर्च में है। क्लेमेंस चर्च में आता है तभी उसकी बेटी पीछे मुड़कर देखती है और अपने पिता के पास जाती है। 7 साल और 14,000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरकार क्लेमेंस अपने घर लौट आया है। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसी के साथ सच्ची घटना पर बनी यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए टाइम और मेहनत लगती है। कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।